गाइस कैसे हो आप लोग। दोस्तों आप सब काफी दिन से मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आपकी न्यू बैच कब चलेगी कब चलेगी। वीडियो कोर्स ले रहे थे लोग, बट कई लोगों को लाइव सीखना होता है, तो ऐसे में क्या हो रहा था कि जब मुझे टाइम मिले तब मैं लाइव बैचेस अनाउंस करूं। बट आज मैंने बैठ के पूरा प्लान किया, सेट किया कि कितने बैचेस हम अनाउंस कर सकते हैं। तो टोटल 4 बैचेस मैंने अनाउंस किया है। डेफिनेटली बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आपको बताता हूँ कौन कौन से 4 कोर्सेज हैं और कब कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। कम्युनिटी टैब में भी इसको एक पोस्टर बना के डाल दूंगा, वहां पे भी देख लेना, प्लस बता देता हूँ कौन से कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कोर्स है वो 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जो अभी 2 मार्च आएगा इसमें स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या क्या है, इसमें है स्टेट प्रो है, आरसीडीसी है और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है। क्या है, स्टेट प्रो है, आरसीडीसी है और स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट है। इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि टॉपिक क्या क्या रहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो। लास्ट टाइम बनाया था कि क्या क्या पढ़ाऊंगा इसके अंदर, और सिलेबस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। 2 मार्च से स्टार्ट होगा, 45 डेज का कोर्स है और इसकी फी भी मैंने ज्यादा नहीं रखी, ओनली 5000 रखी हुई है। और उसके साथ एक गुड न्यूज है कि जो भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट है उनको 1000 का ऑफ रहेगा मेरी तरफ से गिफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से 2 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर को लगता है वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा, बट ये जरूर बोलूंगा कि डेफिनेटली आप सही जगह आओगे और सही तरीके से सीखोगे। G+5 G+6 तक के स्ट्रक्चर स्टेट प्रो आरसीडीसी की कोर्स से आप कंप्लीट डिजाइन कर पाओगे, इसकी गारंटी देता हूं। चलो जो दूसरी बैच है उसके अलावा मेरा टाइम पैक है, तो मुझे वीकेंड बैच लेना पड़ रहा है 6 मार्च से। कब से, 6 मार्च से, मतलब सैटरडे है 6 मार्च को। एक आप लोग बोल रहे थे कि सर ऐसी कोई बैच बना दो कि मैं साइट इंजीनियर हूं तो मैं काम कर सकूं साथ ही साथ साइड बाय साइड में ये सीख सकूं। तो इसके लिए मैंने 4-4 आवर्स के क्लासेस लगाए हुए हैं सैटरडे और संडे को। सैटरडे और संडे को 4-4 घंटे की क्लास है, ठीक है। कितने बजे से स्टार्ट होगी, 6 बजे से स्टार्ट होगी और 10 बजे खत्म होगी। 6 बजे से स्टार्ट होगी, 10 बजे खत्म होगी सैटरडे को और संडे को। वीकेंड बैच है, रेविट आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा इसमें कंप्लीट, रेविट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा कंप्लीट, रेविट एस्टिमेशन पढ़ाऊंगा कंप्लीट, और उसके साथ क्या था, उसके साथ है बीआईएम का कॉन्सेप्ट। क्या है, बीम का पूरा कॉन्सेप्ट जो इंटरव्यू में लगेगा, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, 4D क्या होता है, 5D 6D क्या क्या पढ़ाऊंगा उसका भी सिलेबस दे दे रहा हूं नीचे। उसके अलावा जैसे LOD क्या होता है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब मेरा इस कोर्स को बनाने का सिर्फ इतना मोटो है कि जो भी बच्चे साइट इंजीनियर हैं या फिर साइट इंजीनियर में जा रहे हैं उनको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर आपने इसको सीखा, ठीक है, इसका जो मुझे बैचेस अप्रॉक्स जाएगा वो लगभग जाएगा 45 से 50 दिन लगेंगे, क्योंकि 4-4 घंटे बहुत होते हैं, मैं कवर कर लूंगा उसके हिसाब से। और उसमें कंप्लीट हम लोग बीम का कॉन्सेप्ट, एलओडी से रिलेटेड, बिल्डिंग बाय लॉ से रिलेटेड, रेरा से रिलेटेड, कैसे सबमिट करनी है ड्रॉइंग्स, कंप्लीट सिलेबस दे दे रहा हूं। इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा इस पर कि क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, वो सब कुछ 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। एक और बैच है जो कि 15 मार्च से स्टार्ट है, जिसके लिए तो शायद बहुत दिन से बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है। उस बैच का नाम है मैनुअल डिजाइन प्लस एमएस एक्सेल कोर्स, ठीक है, मैनुअल डिजाइन प्लस एमएस एक्सेल। अब इसमें क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं पहले ये समझ लो। मैनुअल डिजाइन में आपको बीम कॉलम फुटिंग स्लैब का पूरा मैनुअल डिजाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके साथ मैनुअल डिजाइन इन द सेंस पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा, और इसके साथ एमएस एक्सेल, मतलब एक्सेल में कैसे उसको करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने स्टेट प्रो सीख रखा है बट उनको एक्सेल में वो चीजें नहीं आती। तो एक्सेल में किस किस चीज का डिजाइन बताऊंगा, एक्सेल में बताऊंगा बीम का, कॉलम का, फुटिंग का, स्लैब का, स्टेयरकेस का, और उसके साथ आपका ओवरहेड वाटर टैंक और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सीयर वॉल का और रिटेनिंग वॉल का, इतने चीजों का, और कैंटिलीवर बीम का, सिंगली बीम, डबली बीम्स, इन सब का, इसका भी सिलेबस मैं दे दे रहा हूं। कंप्लीट है 15 मार्च से। सॉरी, मैं रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर की फी बताना भूल गया, और जो बीम का कॉन्सेप्ट है उसकी फी है 5000, उसमें भी 1000 का गिफ्ट है मेरी तरफ से ओल्ड स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब 15 मार्च को जो बैच स्टार्ट हो रही है, वो बैच स्टार्ट हो रही है उसमें मैंने क्या दिया हुआ है, इसका 20 डेज का कोर्स है ये टोटल, जिसमें मैनुअल डिजाइन और एमएस एक्सेल है, और इसकी फी ज्यादा नहीं है, ओनली 1500 है, 1500 रुपए है। और क्या बोलते हैं, ये कोर्स है 20 डेज का है, कितने दिन का है, 20 दिन का कोर्स है। इसके बाद एक और कोर्स है जो कि 25 मार्च से स्टार्ट होगी, टेक्ला डिजाइनर की। याद रखना टेक्ला 2 होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मार्केट में लोग आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं बता दूं टेक्ला 2 है, एक है टेक्ला डिजाइनर, एक है टेक्ला डिटेलर, ठीक है। सो फंसना मत, कहीं भी सीखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना याद रखना कि टेक्ला डिजाइनर से क्या होता है, टेक्ला डिजाइनर इज जस्ट लाइक अ स्टेट प्रो, एनालिसिस करता है, ठीक है। और एक टेक्ला डिटेलर है, उसकी कोर्स का भी अनाउंसमेंट नहीं कर पाऊंगा कि उसका टाइम पैक है, तो टाइम अगर फ्री हुआ
तो 25 मार्च के आगे जो भी डेट मिलेगी उस डेट को टेक्ला डिजाइनर स्टार्ट करूंगा, सॉरी टेक्ला डिटेलर। टेक्ला डिजाइनर की जो बैच है वो 30 डेज के लिए होगी, कितने दिन की होगी, 30 दिन की होगी। और उसका जो फी होगा वो फी हम लोग रखेंगे 4000, कितना रखेंगे 4000, उसमें भी 1000 का गिफ्ट है ओल्ड स्टूडेंट को, सो उनको सिर्फ और सिर्फ 3000 पे करना रहेगा। तो आप भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट बन सकते हैं क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट हर एक कोर्स में उनको 1000 का ऑफ मिल जाता है। और देखो यार, पैसे रखने का सिर्फ ये पर्सपेक्टिव होता है कि आप फोकस होके उस चीज को सीखो, ठीक है। और डेफिनेटली अभी तक में जितने मेरे बच्चे हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सबके माउथ पब्लिसिटी ने, आप सबके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं उसकी वजह से ही लोग इतना मैसेज करते हैं ऑलरेडी व्हाट्सएप पे। और मैं सारे कोर्सेज में 25-25 सीट ही रखूंगा, इससे ज्यादा सीट नहीं रखूंगा। सो प्लीज टाइम पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी लिख दे रहा हूँ, प्लस मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9792621121 पे। एक बार फिर से अनाउंस कर दे रहा हूँ सारी बैचेस को, 2 मार्च से हमारी स्टैट प्रो और आरसीडीसी की बैच स्टार्ट है। यार आपको टाइमिंग बताना भूल गया, जो स्टैट प्रो और आरसीडीसी की जो बैच है इसका जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग रहेगा 4:30 to 6, 4:30 to 6 इवनिंग में रहेगा। आगे मैं इसको और लेट कर दूंगा, मतलब कि नाइट के टाइम पे कर दूंगा, बट अभी बैच पैक है इसकी वजह से एटलीस्ट 1 वीक तक तो यही टाइमिंग रहेगा। उसके बाद मैं टाइमिंग चेंज करके अप्रॉक्स 6 o'clock के बाद कर दूंगा, जैसे ही कोई बैच का टाइमिंग मिलता है। तो होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी। वीकेंड बैच कब से है, रैबिट आर्किटेक्चर रैबिट स्ट्रक्चर प्लस डीम कॉन्सेप्ट का, उसका जो वीकेंड बैच है वो सैटरडे और संडे है। इवनिंग में 6 o'clock से 10 o'clock तक है, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो होप आपको बहुत मजा आएगा और डेफिनेटली आप ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, हम सही जगह पहुंच गए हैं। मेरा कुल मिला के मोटो ये है कि आपको जो आप सीख रहे हो वो सही चीज सीख लो, जिससे कि आपकी जॉब लग जाए। जॉब मेरा फर्स्ट पर्सपेक्टिव है, और उसके बाद अगर आप ओपनिंग करते हो अपनी कंपनी वगैरह तो डेफिनेटली ओपन कर सकते हो। गाइस मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आप कोशिश करो कि डिजाइन की जॉब आपको ज्यादा मिले, क्योंकि डिजाइन की जॉब एक टेक्निकल जॉब होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जब आप करियर बनाते हो थोड़ी सी कंफर्ट वाली करियर होते हैं आपके पास, ठीक है। और सही तरीके से आगे आप मूव कर सकते हो, फॉरेन में जाने के बहुत से चांसेस होते हैं। आपको पता होना चाहिए स्टैट प्रो पे टेक्ला पे कितना ज्यादा दुबई वगैरह में यहाँ पे स्कोप है, इंडिया में तो है ही, वहां पर बहुत ज्यादा ही हो रहा है। रेविट के लिए आपको बताऊं, कई ढेर सारी कंपनियां हैं जो कि पुणे के अंदर, मुंबई के अंदर बैठ के यूएस के काम कर रही है रेविट के ऊपर, ठीक है। आप चाहो तो पता कर लेना, दैट इज स्ट्रू इंजीनियर्स करके कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पे मगरपट्टा में कई कंपनियां हैं, दार करके कंपनी, ऐसे बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं, मैं कंपनियों के बारे में तो आपको बताता ही हूँ। और इन सब कोर्सेज में मैं आपको रिज्यूम फॉर्मेट और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो सब कुछ बताऊंगा, तो उसका तो टेंशन ही मत लेना। एक्स्ट्रा जो भी गाइडेंस की नीड होती है मैं अपने हर एक बच्चे को करता हूँ। और आपको कोई भी डाउट रहेगा तो इवनिंग में 10:30 to 11 एक लिंक दे दूंगा, उस पर मैं ऑनलाइन आता हूँ, आके आप पूछ सकते हो। अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9792621121 पे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ये अनाउंसमेंट डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा, उस बच्चे को जरूर भेज देना जिस बच्चे को इसकी जरूरत होगी। और जो बंदा कंफ्यूज होगा अपने करियर को लेके, अभी लॉकडाउन के टाइम पे आप सबको पता है किस तरीके की समस्याएं हैं, तो थोड़ा हम मैनेज करेंगे, थोड़ा आप मैनेज करो, डेफिनेटली ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा, जिससे कि ज्यादा लोगों का भला हो सके। और भला का मैं हमेशा बोलता हूँ, भला का उल्टा लाभ होता है। तो डेफिनेटली आप किसी की हेल्प करोगे तो डेफिनेटली गिव एंड टेक का रिस्पॉन्स मिलेगा। जय हिंद जय भारत, आराम से सीखोगे और मजे से सीखोगे। बट याद रखना, अगर लैपटॉप नहीं है आपके पास तो मत करना कोर्स, क्यों, क्योंकि लैपटॉप नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करना होता है, वो मैं कर दूंगा, उसके बाद का जो काम होता है वो आपका होता है, ठीक है। मैं टॉपिक बताऊंगा, इंटरेस्ट पैदा करूंगा, फिर आप सर्च कर करके एक्सपर्ट बनोगे। और डेफिनेटली हर एक चीज, जितने भी कोर्सेज होते हैं हमारे, उसमें हम लोग लाइव प्रोजेक्ट्स करते हैं। सो नए बच्चों को नहीं पता रहता इसलिए उनको बता रहा हूं कि लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार इस तरीके से करना है और ये करना है। प्लस जिसके पास टाइम है वही लोग करो, कुछ लोग होते हैं क्या कि वो मतलब कि अपने क्लासेस कर लेते हैं उसके बाद फिर अटेंड नहीं करते क्लासेस, तो देखो यार अटेंड नहीं कर सकते, अगर आपके पास टाइम नहीं तो मत करो, बट अगर टाइम है डेडिकेशन के साथ सीखना है तो आओ ज्वाइन करो, मजे करते हैं। चलिए जय हिंद जय भारत।